नाज़रीन आदाब, अल मंथूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रूबरू सीरीज़ 5 में आपका खैर मकदम है। आज हम उर्दू अदब के ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी में भी अपना लोहा मनवाया है। आज हम बात करेंगे कासिम खुर्शीद साहब से। कासिम खुर्शीद साहब का ताल्लुक उर्दू के साथ साथ हिंदी से भी है। इन्होंने उर्दू और हिंदी पे एक सा काम किया है और दोनों ज़बान में काफ़ी मकबूल हैं। कासिम साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, बहुत करम, इनायत, मेहरबानी। सबसे पहले कासिम साहब, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, जहाँ तक मामला है ज़िंदगी का, जिसके हवाले से आप अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस हवाले से मैं ये गोश गुजार करता चलूँ कि बहुत याद आता है मुझे जब मैं महज 4 साल का था, तो अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और ज़ाहिर है कि वो दौर ऐसा था कि उसमें आदमी क्या कुछ सोच सकता है। वो बात जिस की शफकत हासिल थी, और मेरे 2 छोटे भाई उस वक्त, एक जो है 2.5 साल का था और एक महज 6 माह का था, तो अचानक ऐसा लगा कि बड़ी तब्दीली आ गई। मुझे सिर्फ इतना ही याद है, बहुत बक्सर में उनका इंतकाल हुआ था, कि जब उनको दफनाया जा रहा था तो मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक जुमला मुझे अच्छी तरह याद है। किसी ने उन्हें दफनाते वक्त कहा था कि बेटा देख लो आखिरी बार, अब फिर देख नहीं पाओगे, ऐसा कहा था। और वो शायद वो बात हमारे जहनों दिल में अब तक नक्श कर रही है कि इतने साल गुजर गए लेकिन आज भी वो लम्हा याद हो। तो वो एक बहुत बड़ा सानहा था, और उस सानहे के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि पूरा मेरा घर, चाहे मेरे दादा पा हों, मेरी अम्मी हों, तो सब लोग बहुत ज़ाहिर है कि टूटे। अब चूँकि हम लोगों का जो ताल्लुक़ है काको के कानवादे से है, सैयद टोला में मेरे दादा पा जो हैं डॉक्टर सैयद उमर, काफ़ी मशहूर मरीज रहे, तो फिर हम लोग वहाँ चले आए, और उसके बाद वहीं काको मिडिल स्कूल में हमने अपनी तालीम शुरू की। लेकिन ये वो दौर था, चूँकि हमारे जो वालिद मोहतरम थे, समझिए कि वही एक तरह से घर के बड़े थे, उन पर काफ़ी उम्मीदें थीं, बरसर रोज़गार थे, तो काफ़ी ज़ाहिर है कि इससे मदद मिल रही थी। लेकिन जो सादात फैमिली थी उसके साथ एक बड़ा अलमिया रहा है, जिसको मैंने बचपन से महसूस किया कि अब हम लोगों के खानवादे में सुना था कि वो ज़मींदार थे लोग, इतने गांव के मालिक थे, सब कुछ था, लेकिन जब हमने वोट संभाला तो वहाँ दिखा मुफलिसी घर कर रही, और एक ऐसी मुफलिसी थी जो घर के अंदर रखी बसी हुई थी, लेकिन बाहर किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता था। मेहमान अगर आए तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दस्तरखान खाली रहा। तो ये चीज़ हमको सिखाई गई बचपन में, कनायत जो दादा पा ने सिखाया था, और इसीलिए जब हम स्कूल भी जाते थे, ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे मुश्किल तरीन दिन थे वो, कि कभी कभी ज़ाहिर है फाका करना पड़ता था, तो उसकी वजह से जब हम टिफ़िन में बच्चों की छुट्टी होती थी काको मिडिल स्कूल में, तो फिर वहाँ से सब बच्चे दौड़ के अपने अपने घरों को जाते थे, पास में सबके घर थे, मेरा भी घर था ज़ाहिर है, तो मैं भी आया, तो कभी ज़ाहिर है कि कभी खाना मिलता भी था, और कभी मेरी फूफी कहती थी कि बेटा आज नहीं बना है, चले जाओ, तो फिर वैसे ही दौड़ते हुए फिर आते थे। बच्चे हमसे पूछते थे, जो मेरे दोस्त थे, कि भाई क्या लिया, क्या खाया, क्या नहीं, तो
उसको हम कैसे बताएं कि हम किस हाल में जी रहे हैं या क्या कुछ हुआ। तो हमने उनसे कहा कि बाज पुलाव और बोट्स लेकर आ रहे हैं। तो दरअसल लगा कि जैसे कभी कभी कहा जाता है कि वो झूठ जो मसलहत से भरा हुआ हो वो सच से बेहतर है, और शायद उसने मुझे बड़ा एतमाद बख्शा उसे ही झूठ ने। तो वो झूठ नहीं था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमने अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, अपनी तामीर करने के लिए, और उसमें एक बड़ा अहम तरीन पहलू रहा कि चाहे अपना दुख कितना बड़ा भी हो, उस दुख को किसी के सामने रखने से सिर्फ इतना ही होता है कि वो आपके लिए हमदर्दी का जज्बा तो रख सकता है जी, लेकिन वो कोई मुदावा नहीं कर सकता। मुदावा आपको करना है जी, आप उस पूरी ज़िंदगी के साथ आप जुड़ेंगे, और जब आप जुड़ेंगे तभी आप उसका मुदावा कर सकते हैं जी। तो दरअसल फिर वहीं से मंसूर साहब ये सिलसिला शुरू हुआ जी, नशीब व फराज का जी। लेकिन चूँकि जैसा कि हमने बताया कि घर के जो अहवाल थे, जो हालात थे, तो उसकी वजह से तालीम भी आगे हम मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। तो फिर ये तय हुआ कि हमको जो है वो मैं पटना चलाया जी। और पटना आकर के यहाँ के राम मोहन राय सेमिनरी में हमारा एडमिशन कराया मेरे मामू जान मुजफ्फरुल जावेद साहब, जो मेरे गार्जियन के तौर पर आज भी हैं और जिनकी शफ़क़तें बड़ी हासिल रहीं। और फिर पटना जब मैं आ गया तो फिर पटना का होके रह गया, और वो जो जद्दोजहद का सिलसिला था जी, वो ज़ाहिर है कि यहाँ भी जारी और सारी रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्कूल के ज़माने में ही मैं अपने लिए सोचता था कि मुझे स्कूल की फ़ीस खुद जमा करनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा लोगों से बच बचा कर हमने ट्यूशन तलाश करना शुरू किया, जब सिर्फ 9वीं क्लास में था। ज़ाहिर उस वक्त हाफ पैंट पहनते थे, तो एक इंजीनियर साहब से उन्होंने जब मेरी आवाज़ सुने, और पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, तो उन्होंने अपने बच्चों को लगाया कि जो प्राइमरी सतह पर बच्चे थे कि उनको पढ़ाना है। तो बच्चियाँ बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी उनकी, दो बच्चियाँ एक बच्चा था, तो उनको पढ़ाने हम जाते थे टिगारी रोड में। तो वैसे ही हाफ पैंट पहन के जाते थे, तो पहले दिन जब मास्टर साहब गए तो बच्चियाँ जो है वो खिलखिला के हंसने लगी। मेरी समझ में बात नहीं आई कि आखिर क्या वजह हुई कि मुझे देख के वो खिलखिला के हंस रही हैं। या तो पता ये चला कि चूँकि मैं तो खुद ही तालिबे इल्म लग रहा था, हाफ पैंट पहन के गया था, और मास्टर साहब का कंसेप्शन एक अलग कंसेप्शन हुआ करता है। फिर बाद में खैर उन बच्चों को डांट उट पड़ी कि भाई मास्टर साहब आए हैं, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, और फिर उसके बाद हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अब ये जो सारी चीज़ें थी, ये समझिए कि एक जद्दोजहद का दौर था। उसके बाद यहीं हमने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी में मैं आ गया, फिर एमए किया, पीएचडी की, और पीएचडी करने। लेकिन इस दौरान जो है वो हमारा सिलसिला सब जारी और सारी रहा, लिखने का, पढ़ने का, ड्रामों का, ये सारे सिलसिले जारी और सारी रहे। तो ये एक तरह से मुख्तलिफ कवायफ आप कह सकते हैं जो ज़िंदगी के उस दौर के, जब हम बहुत बहुत ही मजदूद राहों से गुजरते हुए उन राहों पर आए जिसे हम लोग कौमी धारा कहते हैं या मेन स्ट्रीम कहते हैं। हाँ, कासिम साहब की जो ज़िंदगी है बहुत जद्दोजहद भरी भरी रही है। बिहार का एक ज़िला है जहानाबाद, वहाँ काको एक बस्ती है जहाँ से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने इब्तदाई दौर से और अब तक, एक अपने आप में हम लोगों के लिए एक नमूना है। इन्होंने जिस तरह से अपने आप को समाज में, अदब में और एक इसमें पेश किया, वाकई बहुत ही सीख देने वाली है। आज साहब, आप अदब की तरफ कैसे आए, कैसे आपका झुकाव अदब की तरफ हुआ? देखिए, आप जैसा कि बहुत अच्छी तरह आप भी जानते हैं कि जो हमारी जो ज़मीन है काको, तो काको जो एक ज़मीन है वो बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है अदब के लिए, सकाफ़त के लिए, समाजियात के लिए, सूफीज़्म के लिए। हज़रत बीबी कमाल की दरगाह वहीं काको बीबी पुत्र है, और वहाँ से नानिहाल थी अख्तर रैनवी साहब की, वहाँ वली रहमान वली काकवी साहब, वहाँ के अताउर रहमान अता काकवी साहब, अरशद काकवी साहब। तो इस तरह से एक बड़ा एक बड़े खानवादे के लोग, अदबी खानवादे के लोग वहाँ से मुतल्लिक रहे। तो ज़ाहिर ये बात कहीं जहन में हम लोग स्कूल की किताबों में भी पढ़ते थे, और बड़ा फ़ख्र होता था कि जो जिनको हम पढ़ रहे हैं उनके उनमें बहुतों का ताल्लुक जो है वो काको से है। और चूँकि बचपन में भी जो मुझे तालीम दी गई,
पहले ज़माने में आज तो एमए के तलबा व तलबात भी की वो सलाहियत नहीं होती है जो अगर आपने उर्दू की पहली दूसरी तीसरी और चौथी अगर आपने उसका मुताला कर लिया जो कराया गया था, हम लोगों को करवाया गया था, सरकंडे के कलम से लिखवाया जाता था, तो एक तरह से उर्दू वहाँ से मजबूत हुई हमारी। और रही बात जिसकी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये तहरीक आपको कैसे मिली, ये कैसे आपने लिखना पढ़ना शुरू किया, तो मंसूर साहब मैंने जैसा कि ऐसा कहा कि मैं इसको मानता रहा हूँ कि जिन हादसों से लोग मरते हैं उन हादसों ने मुझको पाला है। तो दरअसल ये जो हादसा हुआ था, जाहिर है इसके असरात तो रहेंगे, तो उन असरात ने और मेरी दादी अम्मा जो हैं वो जैसे आम दादी अम्मा की कहानियाँ आप सुनते कि वो कहानियाँ सुनाती थी, तो वो जब भी हम लोग बचपन में, जाहिर है कि जब वो दौर होता था जिसका जिक्र अभी हमने किया, तो कभी कभी बहलाने के लिए, बच्चों को बहलाने के लिए भी कहानियाँ सुनाती रहती ताकि ये रोटी की तरफ ना जाए, उसकी तरफ कोई इनका डिमांड ना हो, उन सब बातों को बाद में हम लोग समझने लगे थे। तो कहानियाँ सुनाती थी, सीत बसंत की कहानियाँ और बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, बल्कि एक कहानी को तोड़ मरोड़ कर सुनाती थी। तो जब वो कहानियाँ सुनाती थी, तो जब बचपन में चूँकि हमारी उर्दू ठीक ठाक हो गई थी, तो उनकी कहानियों को हम अपने तौर पर उसको ढालना शुरू करते थे और पूरी की पूरी कहानी 4 सफ़े में 5 सफ़े में और उसमें लिखा, उसके बाद जब कहानी मुकम्मल कर दी थी तो इतना शौक था कि उसमें लिखते से नीचे कासिम खुर्शीद, मतलब मैं उसका ओरिजिनल राइटर हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो है उस चीज़ ने एक तरह से तहरीक पहुँचाई हुई थी। और फिर बाद के वक्तों में जब, जैसा कि हमने आपको अर्ज़ किया कि जब हम यहाँ आए पटना आए और हमारा एडमिशन मैट्रिक पास करने के बाद इंटर कॉलेज पटना सिटी में हुआ, तो उस ज़माने से ही हमने लिखना पढ़ना शुरू किया। लिखना पढ़ना ही नहीं बल्कि मैं अफसाने लिखता था और अफसाने लिख करके, चूँकि उस पर जैसा कि हमने कहा कि मेरे दादा अब्बा जो है वो उससे सरकंडे के कलम से लिखवाते थे, तो बड़ा खुशखत था, आज की तरह कंप्यूटर वगैरह का दौर नहीं था, तो बड़ा खुशखत जो है वो ठीक ठाक लिखते थे। तो अपनी कहानी को फेयर करके उसके बाद जो मुख्तलिफ रसायल थे, चूँकि उस ज़माने में उसकी तस्वीर वगैरह भी नहीं उतनी शाया होती थी, और हमने कहानी भेज दी, कहानी लोगों को अच्छी लगती थी और उसके बाद वो कहानी शाया होने लगी। शायर जैसे रसाले में, इदराक जैसे रसाले में, अल्फाज जैसे रसाले में, चिंगारी जैसे रसाले में, बाद के वक्तों में आजकल में, यानी बड़े बड़े रसायल में, जब मैं सिर्फ आईए से लेकर के बीए तक के सफ़र में हमारे बड़े रसायल में शाया हो कहानी शाया हो गई। उसके बाद एक वाक्य मैं आपको सुनाता चलूँ, ये बड़ा अहम तरीन वाक्य, क्योंकि ये वाक्य यहाँ से पटना से ही जुड़ा हुआ वाक्य। मेरी एक कहानी छपी रोक दो जुबान अदब में, मैं उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो चुका था, गालिबन 4th ईयर में था। तो इन्होंने, असलम आज़ाद साहब थे उस ज़माने में, तो असलम आज़ाद साहब को मैंने कहा कि भाई उस ज़माने में कहानी का शाया होना बड़ी बात होती थी। तो और एक, क्योंकि हमें किड्स्ट भी था, प्ले भी करता था, ड्रामे वगैरह करता था, तो उसको अपने बस्ते में रख करके और कहानी लिए चलता था, कोई मिलता था तो उसको दिखाता था कि देखिए मेरी कहानी यहाँ शाया हुई। असलम आज़ाद साहब को भी मैंने दिखाया, कहें कि हाँ हाँ अच्छा हाँ कासिम खुर्शीद साहब आपने कहानी लिखी है, तो खैर उन्होंने बेचारे तारीफ की। उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये तो मैंने ख़रीद दिया था किताब की दुकान से, अब सोचा कि मैं, मुझे अपनी कापी जाके लेनी चाहिए, तो मैं चला गया शीर मुजफ्फरपुरी साहब के पास, उस वक्त वही एडिटर थे उसके, तो मैं गया उसे मुअद्दबाना ढंग से मिला, मैं उनको पढ़ता भी रहा था, मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम खुर्शीद है, मेरी कहानी आपके यहाँ शायद लिखें, कौन कहानी, तो हम कहा कि रोक दो जो कहानी है वो मेरी, अच्छा तो आप हैं, तो आप तो तालिब इल्म हैं, जी जी मैं तालिब इल्म हूँ और मेरी कहानी शाया हुई। शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ, एक तरह से मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, फिर उसके बाद ज़ाहिर यकीन हुआ, चाय भी पिलाई और रसाला भी दिया। तो वो बड़ा अच्छा तजुर्बा हमारे साथ ही रहा कि चूँकि हमारी तहरीरें पहले वहाँ पहुँच गई थी, अगर शायद हो सकता कि मैं रूबरू वहाँ जाता तो मेरा चेहरा देख करके उस ज़माने में, तो हो सकता है कि मेरी चीज़ें शाया करने में बड़ी कबाहत होती लोगों को, लेकिन चूँकि तहरीर पहले पहुँच चुकी थी, तो तहरीर के बाद मेरी तस्वीर पहुँची या मेरा वजूद पहुँचा वहाँ पर, फिर उसके बाद ये सिलसिला फिर चल पड़ा लिखने का। और ये तहरीक जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि तहरीक कैसे मिली, तो वो तहरीक उन हादसों की वजह से मिली, हाल अहवाल जो थे ज़िंदगी की उसकी वजह से मिली, और फिर एक तरह से यह जद्दोजहद का सिलसिला जारी होता ही रहा। कासिम साहब ने बहुत लिखा, उनकी कई किताबें हैं, अहम किताबें हैं, जिन्हें बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखा,
अभी हाल ही में इनकी कई किताब बच्चों के लिए आई है। बच्चों के लिखना बहुत मुश्किल काम है। कासिम साहब, आपकी कौन कौन सी किताबें हैं बच्चों के लिए भी और शायरी में भी है आपकी किताब? और मंसूर साहब, मैं बहुत मुख्तसरन जो मुझे याद आ रहा है, मैं सिर्फ इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपसे कि शुरुआती दौर में मैं प्ले भी करता था ड्रामे किप्टा से और स्कूलों में, तो बच्चों के ड्रामों से हम लोगों ने शुरू किया। बहुत सा हिंदी के जो ड्रामे थे, हिरण कश्यप मर्डर केस और बच्चों की अदालत और कई कई प्लेस, तो वो ड्रामे हम लोग करते थे वहाँ से। उसके बाद फिर बड़ों के लिए भी ड्रामे शुरू किए। तो जहाँ तक लिखने का सवाल है, तो अफसाने तो मैं लिख रहा था, शायरी भी कर रहा था, और एक बड़ी बात ये थी हमारे साथ कि चूंकि जो प्ले हम कर रहे थे, तो प्ले की जो स्क्रिप्ट होती थी वो हिंदी में ज़्यादातर होती थी, तो उसकी वजह से, और मैं डायरेक्शन करता था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी हिंदी ठीक ठाक हो गई, मैंने पहले से बेहतर हो गई। तो बतदरीज मैंने जिस तरह से उर्दू में लिखा, ठीक उसी तरह से मैंने हिंदी में भी लिखना शुरू किया। आप नहीं कह सकते हैं कि मैंने उर्दू में कम लिखा या हिंदी में कम लिखा, आज भी वो सिलसिला जारी है सारी। इसलिए मैं शायद मैं अपनी नस्ल में बिहार में और पटने में रहकर शायद वही शख्स हूँ जिसने बतदरी दोनों के बड़े रसायल में या बड़े अखबारों में लिखना शुरू किया। जहाँ तक आपने जो जिक्र किया कि कई किताबें मंजर आम पर आई हमारी, जैसे कि हिंदी में थकन बोलती है के उनवान से मेरा शेरी मजमुआ आया, उसके बाद आपके कई किताबें हिंदी में जिसको बाद में नेशनल अवार्ड वगैरह भी मिला, डर से आके जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार जिसको दिया गया, और कई किताबें किशनपुर की मस्जिद और कई किताबें आई। इससे जो बच्चों की जहाँ है, अभी हाल में एनसीपीएल ने हमारी 3 किताबें शाया की, किशनपुर की मस्जिद थी उसमें एक किताब है अजान, एक है कोई दूसरा आदमी, और बकिया और इसके पहले जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी हमारी किताबें जो हैं वो शाया की, गांधीयन थॉट पर भी कई चीज़ें आई। और अफसानवी मजमू का जहाँ तक सवाल है, तो पहला अफसानवी मजमू पोस्टर के उनवान से आया, दूसरा अफसानवी मजमू आया रेत पर ठहरी हुई शाम, तीसरा अफसानवी मजमू आया कैनवस पर चेहरे, और उसके बाद अंग्रेज़ी में तर्जुमा जो मुंतखब कहानियाँ थी मेरी वेव्स के नाम से अफरोज अशरफी साहब ने किया, तो और एक जो और मुख्तलिफ किताबें आई। अब जाहिर है कि तमाम सर किताबें यहाँ पर भी हमारे जहन में नहीं है, लेकिन एक किताब एक काम और हमने किया मंसूर साहब कि हमारे जो नक्काद थे, बाद नक्काद जो प्रोफेशनल नक्काद में उन्हें कहना चाहता हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि जो नए लिखने वाले लोग हैं उन्हें अपना नक्काद खुद बनाना चाहिए, पैदा करना चाहिए। और एक बात और मैं कहता चलूँ कि मैंने देखा कि उमूमन हमारे नाकदीन ने, उमूमन हम खसूसी तौर पर नहीं कह रहे हैं, कि उमूमन नाकदीन ने सिर्फ हमारे जो क्लासिक्स हैं या जो हमारा क्लासिकी अदब है उसको पेश नज़र रखकर, या जैसे गालिब मीर, मोमिन ज़ौक, बात के वक्तों में मंटू प्रेमचंद, कुरतुनैन हैदर तक हार्डी, यहाँ तक ये लोग आए और यहीं पर लिखा और इसी पर गुफ्तगू हुई, इसी को हवाला बनाया, इसी के हवाले से नए अदब पर भी गुफ्तगू की। लेकिन नए लोगों पर, नए लोगों का मतलब है जिन्होंने 20 साल 30 साल लिखा है, उन पर इन लोगों ने इतना सीरियस होकर तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह मुझे शायद ये नज़र आई कि जिन लोगों पर ये लिख रहे थे उनके हवाले से मवाद जो है वो पहले से मौजूद था, तो अगर मवाद पहले से आपके पास मौजूद है तो जाहिर है फिर उसको आप रिवाइव करते हैं, यानी आपके पास अपना ओरिजिनल थाट कम होता है। हमने कोशिश की मंसूर खुशर साहब इस सिलसिले में कि एक तख्लीकी तनकीद की किताब मंजर आम पर आई मेरी, मतन और मुकालमा उनवान जो अभी हाल में वो किताब आई, उसमें यही गुफ्तगू की गई है कि हमारी तख्लीकी तनकीद क्या है, क्या तख्लीक की तनकीद हो सकती है, तख्लीक पहले वजूद में आ सकती है या तनकीद पहले वजूद में आई। जाहिर है कि तख्लीक पहले वजूद में आती है, उसके बाद ही तनकीद जो है वो सर उठाने लगती है। तो ये किताब बहुत पॉपुलर थी और वो इसलिए हुई कि इसके अंदर हमने कोई दावा पेश नहीं किया है कि हम एक बहुत बड़े नक्काद हैं या जो कुछ मुस्तनद है मेरा फरमाया, वो ये नहीं किया, बल्कि मैंने ये बात उसमें जाहिर करने की कोशिश की है कि जो एक तख्लीकार की हैसियत से हम सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे हम किस तौर पे, जैसे एक शायर अगर शायरी करता है तो अगर दूसरा मैं शेर कहता हूँ तो मुझे वो दर्द मालूम है,
कि साहब शेर कहने का क्या दर्द हो सकता है, शेर अच्छा हो या बुरा हो ये तो फैसला वक्त करता है, ये कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो उसमें तख्लीकी सतह पर जो तख्लीकी पैराए में हम किस तरह तनकीद कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह इजहार ख्याल कर सकते हैं, इसका जिक्र जो है मत और मुकालमा में है। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन उस किताब को इसलिए पढ़ें, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है और पढ़ी जा रही है और बड़ी उसकी पज़ीराई भी है, इसमें कतई तौर पर दो राय नहीं है, चूँकि पहली बार तख्लीकी तनकीद पर ये किताब है। और ये बड़े मैंने किसी की तनकीद नहीं की है, मैंने सिर्फ अपने हवाले दिए हैं और अपना मौक़िफ़ मैंने बयान करने की कोशिश की है, वो मौक़िफ़ जो तख्लीकी तनकीद का हो सकता है। जी कासिम साहब, आपने सीरियल के लिए काम किया है जी, ड्रामे लिखे हैं जी, अदब में उनकी कितनी अहमियत है? देखिए मंसूर साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल है, मैं समझता हूँ बहुत रेलिवेंट सवाल आपने किया, इतना रेलिवेंट सवाल आपने किया और मैं चाहता था कि ये सवाल हमसे किया जाए। देखिए मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि कभी कोई भी शख्स सिंफ का बड़ा हो नहीं सकता। असनाब जो है वो एक बर्तन की तरह होता है, जैसे कि मतन जो है वो आप उसको आप मान लें कि वो एक लिक्विड है, रकीक है, उसकी तरह है, उसे आप जहाँ जिस जगह ढालना आप चाहें आप वहाँ उसे ढाल सकते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमें कह दिया किसी ने कि ये बड़ा शायर है, ये शायर है तो अफसाने नहीं लिख सकता है, अफसाना निगार है तो ड्रामा नहीं कर सकता है, ड्रामा निगार है तो मजमून नहीं लिख सकता है। ये वो लोग थे जो जहनी तौर पर मफलूज हैं, ये वो उन लोगों ने ये बात कही जिनके पास कंसेप्शन, कम से कम मतन का कोई कंसेप्शन नहीं। अगर हमारे पास ये कंसेप्शन है कि हमारा ये मजमून शेर में ढल सकता है, तो अगर हमारी तबीयत की मजमूनी है, जैसे आप भी शायर हैं तो आप बहुत अच्छे मजमून निगार भी हैं, कहानियाँ भी आप लिखते हैं, तो जाहिर है जो मतन आपका जिस दौर पे आपको ले जाता है, मतन पहले आता है आपके जहन में या ख्याल जिसको कह सकते हैं, वो चीज़ें पहले आई, उसके बाद आपने सोचा कि ये जब आप लिखने लगे तो वो कहानी बनी, जब आप लिखने लगे तो कभी ये अगर वसत हो गई, बहुत वसत हो गई तो वो नॉवेल बन गया, या बहुत वसत हो गई तो आप मसनवी बन सकती है। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की मोहतरम कि ये जो विजुअल मीडियम में मैं आया, तो विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन हर शख्स तखय्युल की परवाज़ करता है, कोई ऐसा शख्स दुनिया में नहीं है, चाहे वो लिखता हो, पढ़ता हो या ना भी पढ़ रहा हो, लेकिन तखय्युल करता है, यानी ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या है? ख्वाब दरअसल जो हमारे अपने जो तखय्युलात हैं उनकी एक शबीह है, और यही शबीह विजुअल मीडियम है। जो सर मैं जब कहानियाँ लिखता था तो मेरे किरदार मेरे साथ साथ चलते थे, मैं अगर नॉवेल लिखूँ तो मेरे किरदार मेरे साथ साथ चलते हैं, मैं अगर अफसाने लिखूँ तो मेरे किरदार मेरे साथ साथ चलते हैं, मैं ड्रामे लिखूँ तो मेरे किरदार मेरे साथ साथ चलते हैं। तो अगर वो किरदार मेरे साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि विजुअलाइजेशन हमारे अंदर या हर कहानीकार के या तख्लीकार के अंदर होता है। वो चीज़ थी, तो उससे बड़ी मेरी मदद की। इत्तेफाक से मेरी जब नौकरी हुई यहाँ पर और मैं जब क्लास वन ऑफिसर हुआ, तो मेरा इसी ओहदे पर पूरे हिंदुस्तान भर में सिर्फ एक ही यही ओहदा था जो एजुकेशनल टेलीविज़न के लिए बनाया गया था, और उसमें मैंने कम्पीट किया, और वो ओहदा वही था कि भाई एजुकेशनल टेलीविज़न का आपको इंचार्ज बनाया गया, नहीं वो फिल्में बनानी थी, तो मेरा उसमें इंतखाब हुआ चूँकि पहले से मेरा अपना तजुर्बा था। तो विजुअल मीडियम में हमने काम करना शुरू किया, जो हमारी मैं फिल्में बनाता रहा, उसके बाद वो फिल्में जो है दूरदर्शन से टेलीकास्ट होती रही, आज भी टेलीकास्ट होती हैं वो सारी फिल्में, आज मेरा रिश्ता जो है वो दूरदर्शन से है। तो इस तरह से विजुअल मीडियम के अंदर आए, जिससे कहानियों ने मेरी बड़ी मदद की, शायरी ने मेरी बड़ी बड़ी मदद की, और ड्रामे जब हम लोग करने लगे, प्ले करने लगे, तो जाहिर है यहाँ भी किरदार हैं, यहाँ भी मतन है, यहाँ भी मुकालमा है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो हर चीज़ का जुड़ाव कहीं ना कहीं मतन से और ख्याल से रहता है, सिर्फ जो है वो चीज़ें बाद में आती हैं। तो हमें तो बहुत आसानी हुई मंसूर खुर्शद साहब, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई शख्स मुझे बहुत बड़ा शायर कह देता है, कोई शख्स मैं नहीं, जब कोई कहता है मैं बहुत बड़ा अफसाना निगार हूँ, जब कोई कहता है मैं बहुत बड़ा ड्रामा निगार हूँ, जब कोई कहता है मैं टेलीविज़न का बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ या एक्टर हूँ, तो मुझे खुशी इस बात की नहीं होती है कि मैं वाकई बड़ा हूँ, मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरा जो अपना मतन है या मेरा जो अपना कंटेंट है, इसको हमने मुख्तलिफ असनाफ में शायद खूबसूरती से ढालने की कोशिश की है, शायद कामयाबी हासिल की है, और शायद मेरा जो अपना मकसद था वो मकसद पूरा हुआ है। इसलिए कि मैं बहुत सारे लोगों का कहना होता है, आप
किसी की जुबान को रोक नहीं सकते कि भाई आप सिर्फ शायरी करें, आप सिर्फ अफसाने लिखें, ये आप पर कोई बंदिश हो सकती है। तो भाई शेक्सपियर पर बंदिश क्यों नहीं लगाई आपने? शेक्सपियर तो सबसे बड़ा नाम है आपके वर्ल्ड लिटरेचर का। गालिब पर क्यों नहीं लगाई? गालिब बहुत अच्छे शायर और उतने ही बड़े नसर निगार, इतने बड़े नसर निगार है कि उनकी नसर को जो है वो हमारे जो सिलेबस ये निसाब की किताबें हैं तो हमारे नसर निगारों की नसर से पहले उस नसर को जो है अहमियत दी जाती है। तो ये सही है इसलिए कि उसका उसकी जो जहनी साख्त है या जो तख्लीकी साख्त आप कह सकते हैं वो जिस उरूज पर होगी मंसूर खुर्शीद साहब। जैसे आप बड़े काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो आपका देखता हूँ मैं कि आपके जो विज़न है वो विज़न जो आपकी शायरी में या जो आप ट्रस्ट की तरफ से जो सारे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एक शख्स के पास विज़न वही विज़न सामने आ रहा है, वो कहीं अब ढाला जाए। आप अगर कल कारोबार करने लगूं तो मैं कारोबार भी इसी मेयार का करूंगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए कि ये जो बुनियादी स्किल होता है आदमी के अंदर या हुनर जिसको कह सकते हैं, ये हुनर होना चाहिए। अहमद फराज के अंदर वो हुनर था तो वो बड़े शायर हुए, निजा फाजली के अंदर वो हुनर था, बड़े शायर बड़े नसर निगार हुए, आपके अंदर और भी बहुत सारे शुरा कराम, उनका हम उनका जिक्र क्या करें। तो इसका मतलब ये होता है कि एक एक साख्त होती है कहीं ना कहीं जो आपको तकनीकी सतह पर बड़ा और बुलंद बनाती है। शर्त सिर्फ इतना है कि ये अतमाद आपके अंदर होना चाहिए। दुनिया कह सकती है, बहुत सारी बातें कह सकती हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी पूरी दयानतदारी के साथ काम करें। वक्त इसका फैसला करेगा, ज़िंदगी में इसके फैसले नहीं होते। ज़िंदगी में तो हम सिर्फ न्यूज़ में रहते हैं, न्यूज़ में दरअसल हम ज़िंदगी के बाद आते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त हमारे नाज़रीन जुड़े हुए हैं। जी जी, छत्तीसगढ़ से खुर्शीद हयात सर। जी जी, और अंजुमन अख्तर, सुधांशु सिन्हा, लोकसाना हाशमी, ये लोग जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल आपसे रखते हैं आपकी ज़िंदगी को। अंजुमन अख्तर कहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो कोई अफसाने की तरह है, बहुत जद्दोजहद आपने किया है तो उससे बहुत सीख मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि आप उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी मकबूल हैं, है ना। बेशतर ऐसा देखा नहीं जाता है कि जो शख्स उर्दू में है वो हिंदी में मकबूल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उर्दू वाले और हिंदी वालों का जो तालमेल है वो ठीक बैठता नहीं। आप अपने आप को कैसे ठीक बैठा देते हैं? उसकी बुनियादी वजह है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत बहुत देखिए खास वजह है। मैंने अभी अभी राजभाषा का एक प्रोग्राम हो रहा था और राजभाषा के एक प्रोग्राम में हिंदी दिवस का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में जब मैं गया और मेरी जो भी उसके अनाउंसर थे वो ज़ाहिर वो हिंदी के भगवती प्रसाद द्विवेदी थे, तो उन्होंने यही बात कही कि ये इन्हें मैं हिंदी का बड़ा आदमी मानता हूँ, उर्दू का बड़ा आदमी मानता हूँ, ये बात उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में कही। तो मैं जब गया वहाँ पर तो मैंने गोश गुजार किया कि मैं सिर्फ कम्युनिकेशन का कम्युनिकेट करता हूँ, तरसील या संप्रेषण जिसको कहते हैं, कि मेरे लिए कोई भाषा जो है अगर, लेकिन उसकी बुनियादी शर्त एक ही है। बुनियादी शर्त ये बताई कि जिस तरह से मैंने हिंदी सीखी, हिंदी को मैंने ओढ़ना बिछौना बनाया, तो मैंने कहा था वहाँ उस रोज उर्दू वालों से भी, ये हिंदी वालों से बल्कि, कि आप इसी तरह से उर्दू को भी, उर्दू की मोहब्बत यही होगी कि आप जिस तरह से हमने ओढ़ना बिछौना बनाया है, सिर्फ कहने से नहीं होगा बल्कि अमली सतह पर भी आपको सामने आना चाहिए। अब्दुल बिस्मिल्लाह जैसा कहानीकार हमारे यहाँ मौजूद है, तो ज़ाहिर है वो हिंदी का बड़ा कहानीकार है, इत्तफाक से वो मुसलमान है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ मंसूर खुर्शीद साहब, कि हमारे यहाँ खसूसी तौर पर आज़ादी के बाद उर्दू को मुसलमान बना दिया गया और हिंदी को लोगों ने हिंदू बनाया। ये सारा मामला अगर आज़ादी से पहले आप देखें तो ये मामला आज़ादी के पहले के नहीं है, वरना प्रेमचंद नहीं होता यहाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं होता, ये और लोग नहीं होते। तो मुझे जैसा कि आपने कहा, मुझे उन लोगों से तहरीक मिली। मैं प्रेमचंद स्कूल का आदमी हूँ इस मामले में, सुहैर अजीम आबादी की तरह नहीं, ठीक है वो बड़े कहानीकार थे मैं भी मानता हूँ, उन पर मेरी PhD भी है, वो एक अलग मामला है। लेकिन मामला ये है कि मैंने वो देखा कि जिस तरह से वो शख्स उर्दू में मशहूर हुआ, ठीक उसी तरह से हिंदी वाले भी उनको आधुनिक कथा का बड़ा साहित्यकार मानते हैं, उर्दू वाले भी मानते हैं, कहानीकार अनुमा हम भी मानते हैं, कहानीकार अनुमा वो भी मानते हैं। भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ये जो ज़बान है उर्दू और हिंदी, या बिल्कुल आम फहम लहजे में आप कहते हैं हिंदी भी आप कह सकते हैं, जो हम सब लोग लिखते हैं, खुर्शीद हयात साहब जैसा अफसाना निगार है जो अभी हमारे इस पर हैं जिनका जिक्र अभी आपने किया, तो आप उनके अफसानों को पढ़ें। आप सिर्फ मुंतकिल कर दीजिए, बहुत ज़्यादा तरमीम इजाफे की ज़रूरत नहीं है। मेरे आप अफसाने को पढ़ें, सिर्फ सब लोग जानते हैं जो हम जो कुछ लिखते हैं
तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, उन लोगों से मैंने कहा कि आपकी जो जबान हो, चाहे वो हिंदी वालों की हो या उर्दू वालों की हो, वो बिल्कुल आम फहम जो जबान है, जैसे वो जो प्रेमचंद की जबान थी ऑलमोस्ट, अगर वो जबान आप रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं कोई दूरी बनती है। लिपि या तलफ़ुज़ तो कोई दूरी बन नहीं सकती। आज हमारे इस प्रोग्राम को जाहिर है कि हिंदी वाले भी सुन रहे हैं, उर्दू वाले भी सुन रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पर उनको किसी भी तरह से कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी समस्या दरपेश आई हो। और मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ उर्दू में आ रहा है, जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर लग रहा है कि ये मुश्किल लफ्ज़ है, शायद हो सकता है कि जो हिंदी के लोग हैं हमारे भाई, या हो सकता है उर्दू के भी बहुत सारे लोग हैं, उसको ना समझ सके, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका और भी कोई आम फहम लफ्ज़ अगर कुछ हो सकता है तो वो हम गोल गुजार कर देते हैं वहाँ पर, लोग समझ भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने वाकई, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल कल्ब की गहराइयों से कह रहा हूँ कि मेरे बड़े परस्तार, मेरे बड़े चाहने वाले जिस तरह उर्दू में है, ठीक उसी तरह हिंदी में है। और इसमें कोई, मैं वो कहते हैं हिंदी में एक शब्द है अतिशयोक्ति, समझाने, यानी जो बढ़ा चढ़ा के पेश करना, वो नहीं है, बल्कि हैं लोग मोहब्बत करने वाले। और मोहब्बत सिर्फ इसलिए हुई कि हम उनके साथ उस गहराई के साथ जुड़े हुए रहे कि साहब मैंने दोनों में वाकई तफरीक महसूस नहीं की। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इसके लिए एक शर्त यह है कि हमने दोनों जबानों में कम से कम एक हद तक महारत हासिल करनी पड़ेगी। हम सिर्फ ये कह दें कि साहब उर्दू जो है वो बिल्कुल एक गलीज ज़बान है या हिंदी एक गलीज ज़बान है, इससे बात नहीं बनती। ज़बानें कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ उतना ही काम नहीं किया, बल्कि दूसरी ज़बानों से भी जो चीज़ें आईं, तर्जुमे का काम भी हमने बहुत किया। तर्जुमे का काम इस तौर पर किया कि अगर मान लीजिए कि अंग्रेज़ी से कुछ चीज़ें हम मुंतकिल कर पाए हिंदी में या उर्दू में, मैंने एक और बड़ा काम किया मंसूर खुर्शीद साहब, कि मैंने वाकई मैंने पुल का काम किया है कि हिंदी के बहुत सारे शायरों को या अफसाना निगारों को मैंने उर्दू में लाया। मैं इसलिए लाता हूँ कि भाई मैं इनसे कहता हूँ कि आपकी ज़बान बहुत अच्छी है, आप सिर्फ ये जो रस्म अलख़त है, जो देवनागरी रस्म अलख़त से आप जो है फारसी रस्म अलख़त सीख लें, या उर्दू की जो ये है वो आप सीख लें। कुछ लोगों ने सीखी, ऐसा नहीं है कि मैं मायूस नहीं हूँ, कुछ तो बड़े अच्छे लोग हैं जो उर्दू में भी हिंदी में काम करते रहे थे, बाद के वक्तों में उर्दू से इतनी मोहब्बत हुई कि उन्होंने उर्दू सीखी भी। और एक और अभी जो है नई जनरेशन जो है वो इस सियासत से अब अलग हो रही है, धीरे धीरे उसने समझा है कि एक सियासत ने हम दोनों को अलग करने की कोशिश की। आप देखिए ना साहब, हम लोग बड़ा रोना रोते हैं मंसूर खुर्शीद साहब उर्दू का, हिंदी भी कम मजलूम ज़ुबान नहीं है, हिंदी भी कम जुल्म का शिकार नहीं है। पहली बार जो हमारे यहाँ आपने फसाद सुना होगा रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में फसाद हुआ था वो जुबान के नाम पर, यानी हिंदी भाषी और हिंदी भाषी को लेकर। तो हमारे यहाँ ये बेचारी जो हिंदी है, हम जो हिंदी बोलने वाले लोग, तो हम भी तो बहुत, अगर देखा जाए, हमको इस तरह से नफरत से ना देखा जाए, हम भी तो खुद जुल्म का शिकार होंगे। ये राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, ये राजभाषा बनी, इसे राष्ट्रभाषा बनना चाहिए, चाहे उर्दू बनती या हिंदी बनती, लेकिन आपने इसे राजभाषा बनाया गया, और राजभाषा भी इसे मुकम्मल तौर पर लोगों ने कबूल नहीं किया। तो दर्द दोनों का वही है, जो उर्दू का दर्द है वो एक तरह से हिंदी का दर्द है, लेकिन ज़बानें वही जिंदा रहती हैं जो अवामी ज़बान है। मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि उर्दू और हिंदी की जो बिल्कुल आम फहम जबान है वही दरअसल अवामी जबान है, और वही जबान जिंदा और ताबिंदा रहेगी। ये सवाल तो बहुत है कासिम साहब, वक्त की कमी के सबब हम सवालों तक नहीं जा रहे हैं जी। अल मंसूर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की कारकर्दगी में आपकी क्या राय? देखिए, मैंने पहले इशारों में कहा है आप ही के हवाले से कि मैं बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मंसूर खुर्शीद साहब और तमाम इराकीन को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अल मंसूर एजुकेशनल ट्रस्ट है, ये वो काम कर रहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पहले भी मैं अपने इंटरव्यू में, चाहे वो टेलीविज़न पर हो, अखबारों में हो, मैं ये कह चुका हूँ कि वो इदारे जिन्हें ज़बान के नाम पर मुराद मिल रही हैं, चाहे जो भी इदारे बिहार में काम कर रहे हों, वो इदारे इतने फाल नहीं हैं जितना फाल आपका एजुकेशनल ट्रस्ट है आपका। और उसकी बुनियादी वजह है कि यहाँ एक हौसला है, आपको कोई मुराद नहीं मिलती, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से,
जैसे सरकारी मुराद मिलती है लोगों को, किसी को 2.5 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 50 लाख, लेकिन आप देखिएगा वो सारा काम सेल्फ प्रोजेक्शन में हो रहा है कि मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम मुझको बुलाओ, तुम मेरे लिए बड़े अदीब, मैं तुम्हारे लिए बड़ा अदीब। अल मंसूर एजुकेशनल ट्रस्ट ये काम नहीं कर रहा है, उसने तमाम लोगों को बुलाया है, तमाम लोगों के साथ वो काम कर रहा है। गज़ल पर आपने काम किया, अफसाने पर आपने काम किया, नॉवेल पर आपने काम किया, सहाफत पर आपने काम किया, अखबारों के हवाले से आप काम कर रहे हैं। तो दरअसल ये जो काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी बड़े इदारे को करना चाहिए था, ये बड़े इदारे ये काम नहीं कर रहे हैं, और ये शर्म की बात है। मैं इस चैनल से ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत शर्म की बात है कि इस तरह के इदारों को वो मुराद नहीं दी जा रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उन इदारों से वो मुराद काट लेनी चाहिए जो इदारे सेल्फ प्रोजेक्शन में काम कर रहे हैं। और ऐसे इदारे, सिर्फ मैं अल मंसूर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अल मंसूर जैसे बहुत सारे इदारे हैं, उनका काम आप देख लें, उनका काम देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ खामोशी के साथ उन्हें, वो भी बहुत ही तनदेही के साथ, खंदा पेशानी के साथ काम करेंगे। इसलिए आपका जो ये जो आपकी जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बिलाशुबा, मतलब ये बहुत ही समीम कल्ब से मैं कह रहा हूँ, और बहुत दुआ निकलती है जब मैं तमाम तरह की आपकी जो आपके पब्लिकेशंस को देखता हूँ, आप लोगों के कामों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये जुनून बाकी रहा तो ये भी मैं मानता हूँ मंसूर साहब, और आप भी शायद ये तस्लीम करेंगे कि ये एक तरह की जस्तजू है, और आपकी जो जस्तजू है इसके हवाले से एक शेर याद आता है कि जस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। आपका चलते चलते एक और ये नाज़रीन के लिए कोई पैगाम आपका? नाज़रीन के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि आप एक काम ज़रूर करें कि आप इस बात की कतई तौर पर फिक्र न करें कि कौन शख्स आपके किस काम से खुश है या नाराज़ है। आपको जो काम ज़बान के हवाले से या अदब के हवाले से या समाजियात के हवाले से अच्छा लगता है, वो आप हर, जैसे हमने देखा अभी मंसूर खुर्सर साहब को, ये वाहिद शख्सियत है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर भी मंसूर खुर्सर बसता है, तो मैं समझता हूँ आपके अंदर भी एक मंसूर खुर्सर बस रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी सतह पर आज शुरू तो करें, एक छोटा सा काम अगर आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कल आपकी सोच आपकी फिक्र एक तनावर दरख्त बन सकती है। और ये सही कहा कि वो कहा था इकबाल ने कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, आपके अंदर की जो नमी है उसे ज़रखेज़ बनाने की ज़रूरत है। मेरा बस यही पैगाम हो सकता है, हम और क्या कह सकते हैं, मैं ख़ुद उसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे कासिम खुर्शीद साहब से, हम फिर अगले सीरीज में हाज़िर होंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।